हे hey गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो गाइस, मेरे एरिया में जमशेदपुर में झारखंड में काफ़ी ख़राब मौसम है। 3 दिनों से बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से अपने स्ट्रेपलिया के प्लांट को कवर करके रखा हूँ पोलिथीन से, क्योंकि ये रॉट ना हो जाए। बाकी इसी तरह सारे मेरे प्लांट्स का भी बुरा हाल है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये सामने मैंने पोलिथीन से एज ए टेम्प्रोरी ही इन्हें कवर कर दिया है, जिसमें मेरे अडेनियम्स हैं और मैंने इसे अभी कुछ देर पहले ही किया है। इसमें पूरे में वाटर ना चल जाए, बहुत साथ ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इसकी वजह से मैंने इसे कवर किया है इस पोलिथीन में। और मैंने इसके अंदर में सारे प्लांट को रख दिए हैं जो भी रॉट होने के लायक है, जो रॉट हो सकते हैं। बाकी जो भी प्लांट है, आपका बरगद का प्लांट है यहाँ पे, यहाँ पीपल प्लांट है और यहाँ पे भी पीपल है, तो गाइस अंजीर का प्लांट है ये दो, तो इन्हें मैं ऐसे रखा हूँ जिससे इन्हें वाटर मिल सके बरसात का। ओवर वाटरिंग तो किसी प्लांट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और आप देख सकते हैं कुछ अडेनियम्स के न्यू प्लांट्स थे, ग्राफ्टेड प्लांट थे, न्यू ग्राफ्टेड प्लांट थे, जिनको मैंने साइड में रखा है कि पानी से बच सके। पानी तो बहुत हो रहा है और यहाँ पे कुछ सीडलिंग है अडेनियम की, इनको कॉर्नर में रखा है कि पानी से बच सके। और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने रिपोर्ट किया था इस वाले सीडलिंग को, इस पर वीडियो मैंने अपलोड किया था, इसको भी साइड में मैंने रखा है। बाकी और भी आपको प्लांट मैं दिखाना चाहूँगा गाइज। और अभी कुछ टाइम के लिए मैंने रूट स्टॉक मंगाए थे, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे रूट स्टॉक को इस रूम में शिफ्ट कर दिया है। और भी कुछ कुछ प्लांट हैं जिसको मैंने इस रूम में शिफ्ट किया हुआ है। वैसे तो ये मेरा स्टोर रूम जैसा है जैसे। और गाइस अभी देखिए आप, मैंने कैसे अपने कैक्टस को कवर कर दिया है, कुछ प्लांट्स को यहाँ से हटा के रूम में शिफ्ट कर दिए हैं। और आपको मैंने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कैक्टस है ये ऑलरेडी बहुत सारा वाटर इंटेक कर चुका है, लेकिन अभी मुझे इसको सेव करना था, इसलिए मैंने टेम्प्रोरी इसके ऊपर एक पोलथीन रख दिया है। बाद में देखता हूँ कि मैं कैसे इन्हें कवर कर सकता हूँ परमानेंटली। कुछ सोचना होगा मुझे दीवार से ऐसे, अगर मैं पोलथीन लगाता हूँ या वाइट ट्रांसपेरेंट पोलथीन, तो शायद पूरा प्लांट बच सके, लेकिन अभी के लिए इतना ही था। तो मैंने प्लांट को इस तरह से कुछ सेव किया है। और इधर कुछ अडेनियम्स हैं जो बारिश में भींग रहे हैं। और बाकी कुछ इस तरह हाल है मेरे टेरेस का, चारों तरफ पूरा बादल ही बादल है। तो गाइस आज के लिए बस इतना छोटा, क्योंकि फ़ोन में भी पानी जाने का डर है। अभी थोड़ा पानी कम हुआ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।